हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज मैं बड़े दिनों बाद आया हूँ वीडियो लेके, खासकर विस्की का। मेरी फेवरेट है दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि घटिया है लेकिन बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में भी लेता भी रहता हूँ उसमें से। अभी परसों ही खोली थी, तो एक एक पैक दो दो पैक लिया भी है इसमें। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर से शुरू करता हूँ वीडियो एक नया। आप मेरे चैनल को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं धीरे धीरे, पर थोड़ा और फास्ट सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और एंजॉय करने के लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों मैं। मेरा मकसद किसी को भी शराबी बनाना नहीं है, मैं सिर्फ वीडियो एंजॉय करने के लिए बनाता हूँ। आप भी एंजॉय कीजिए, खाइए पिए, मस्त रहिए। तो सारी बातों को तो एक साइड रखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं अपना नया वीडियो फिर से। और देखिए दोस्तों आज क्या लेके आया हूँ वीडियो में। ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट, इसके दो वीडियो आएंगे, एक पकौड़ा बनाते हुए और दूसरा खाते हुए। ये प्याज पकौड़ा है, प्याज के पकौड़े हैं ये, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और खीरा, टमाटो सॉस, नंबर वन विस्की, ग्लास और ये ठंडा पानी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इसको इधर रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। आज फुल बॉटल चैलेंज नहीं है, आज सिर्फ एंजॉय के लिए। आ जाओ दोस्तों, पी लो मेरे साथ, एंजॉय कर लो। पहले कुछ खाया जाए। बहुत ही क्रंची और टेस्टी बने हुए हैं पकौड़े, उसमें मज़ा आ जाएगा खा के एकदम। अब कोई दूसरा तो है नहीं, तो अकेले एंजॉय करते हैं।
दोस्तों, कहते हैं कि महबूब अगर साथ ना दे तो मैं खाने चले जाइए, महबूब अगर साथ ना दे तो महखाने चले जाइए और उठा लीजिए पटियाला बैग और किसी दूसरी दुनिया में चले जाइए। कौन कहता है कि शराब बुरी चीज़ है दोस्तों? कौन कहता है कि शराब बुरी चीज़ है दोस्तों? फितरत तो तेरी कभी एक जगह टिकती नहीं, कभी पटियाला पे जाती है तो कभी पौवे पे जाती है, कभी पटियाला पैग पे जाती है तो कभी पौवे पे जाती है। कमबख्त शाम जैसे ही होती है, नियत तेरी ऑटोमेटिक ठेके पे चली जाती है। दोस्तों जस्ट ऐसे ही मजाक के लिए बोल रहा हूँ, मैं कोई शायर नहीं हूँ दोस्तों, ऐसे ही एंजॉय करने के लिए कुछ भी बोलता हूँ, बस आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, मज़ा दिलाने के लिए। आप मेरा वीडियो देखते हो, मेरे लिए यही बहुत है, सब्सक्राइब करते हो, अच्छा लगता है जब धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और दोस्तों मेरा मोटिव सिर्फ एंजॉय करना है, खाओ पियो ऐश करो बस। इसको ना दोस्तों धीरे धीरे सिप ले लेके पियो और साथ में तवा के खाओ। सिप ले लेके पियो और तवा के खाओ, खाने में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं,
पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। दोस्तों, अक्सर महफिल जमती नहीं तेरे बिना, दोस्तों अक्सर महफिल जमती नहीं तेरे बिना, हर पार्टी अधूरी रह जाती है तेरे बिना, नज़र आ जाए पूरी महफिल में दो पैक तेरे नाम के, तो रौनक ही रौनक नज़र आती है तेरे बिना। तेरा गम अगर ना होता, तेरा गम अगर ना होता, तो शराब मैं ना पीता, ये सितम अगर ना होता, ये सितम अगर ना होता, तो शराब मैं ना पीता, तेरा गम अगर न होता, तो शराब मैं ना पीता। दोस्तों, जब महबूब की याद आए और महबूब बेवफा हो जाए, दोस्तों जब महबूब की याद आए और महबूब बेवफा हो जाए, तो सहारा सिर्फ जाम का लीजिए, एक प्लेट सजाइए चखने का और पैक का मजे लीजिए। है ना? अरे क्यों बहाना आंसू उसके लिए जो चला गया हमें छोड़ के, क्यों बहाना आंसू उसके लिए जो चला गया मुझे छोड़ के, अरे जाइए ज़रा दौड़ के और लेके आइए दो पैक ज़रा नींबू न छोड़ के। बांग्लादेश वाले भाई भी देखते हैं मेरा वीडियो यार, अच्छा लगता है।
मैं तो कभी गया नहीं, गया तो जाके कभी मौका मिला तो ज़रूर जाऊंगा। पाकिस्तान वाले भाई भी देखते हैं मेरा वीडियो, मज़ा आता है। देखो दोस्तों, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात, मैं पहले कह चुका हूँ, वीडियो मेरा सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है। एंजॉय करो, जियो, जीने दो, चार दिन की ज़िंदगी, फिर एक अंधेरी रात है, ना जाने कब अगला सवेरा तुम्हारे नसीब में हो ना हो। इसलिए खुश रहो, खुश रहने दो, खाओ और खाने दो, पियो और पीने दो। एक बात और दोस्तों, मेरा जो वीडियो है वो महिलाएं भी देखती हैं, बड़ा मज़ा आता है यार जब उसमें लिख के आता है ना, जब YT स्टूडियो खोलता हूँ कि महिलाएं इतना परसेंट वीडियो देख रही हैं, आपका मन गार्डन गार्डन हो जाता है दोस्तों। देखो, अपने दिल की बात तो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे घर में मेरी वाइफ या मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं मेरे से शराब पीने से। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये बंदा कभी कभी पीता है और सिर्फ एंजॉय करने के लिए पीता है। मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, मैं होने ही नहीं देता। आप भी यार ऐसा माहौल बनाओ घर में कि बीवी खुद पैक बना के लाए कि जानो डार्लिंग, लो आज मेरे नाम का पैक पी लो। वो माहौल कब बनेगा? जब आप अपनी वाइफ को अच्छा दोस्त बनाएंगे, अच्छा मित्र बनाएंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे, उसकी कदर करेंगे। देखो, हर चीज़ परफेक्ट कोई नहीं होती, ना हस्बैंड ना वाइफ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता हर 100%। लेकिन देखिए, ज़िंदगी अगर जीना है और खुशहाल ज़िंदगी जीना है तो अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मोहब्बत में ऐसे खो जाइए कि वाइफ या बीवी या गर्लफ्रेंड खुद तुम्हारे लिए टैग बना कर आए कि मेरी जान ये लो, पियो और जियो, है ना। दोस्तों, मुझे लगता है, जो मेरा अपना ओपिनियन है, अपनी राय है, थोप नहीं रहा किसी ऊपर, मुझे लगता है आपको कोई शराबी नहीं बना सकता, कोई भी नहीं, अगर आपको अपनी लिमिट से याद है कि आपने दो पैगी लेना है, चार पैगी लेना है। स्पेशली आपने ड्राइव करके बिल्कुल नहीं जाना जब आप ड्रिंक किए हुए हैं। सॉरी दोस्तों, माफ करना, बहुत मसालेदार पकौड़े बने हुए हैं इसलिए थोड़ी खांसी आ गई।
दोस्तों लाइफ में सब कुछ करो सिवाय गलत काम के, गलत काम मत करो, बाकी सब कुछ करो, खूब एंजॉय करो लाइफ में। ईश्वर ने, ऊपर वाले ने तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छी गर्लफ्रेंड, अच्छी वाइफ, अच्छी दोस्त, अच्छे यार दोस्त अगर दिए हैं, खूब एंजॉय करो। फेसबुक वाले दोस्त नहीं, रियल वाले दोस्त बनाओ, आपकी मुसीबत में खड़े रहें, आपको साथ में पैक भी लड़ाएं लेकिन मुसीबत में काम भी आए, खूब एंजॉय करो। ना जाने कब ऐसी कोई शाम आए कि अगले दिन आप हो या ना हो, हम मिले या ना मिले, इसलिए खाओ पियो ऐश करो और एंजॉय करो। अच्छा दोस्तों, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको कैसे पीने में मज़ा आता है, डायरेक्ट बोतल या धीरे धीरे सिप मार के? सच बताऊँ दोस्तों, देखो वीडियो तो मैं बनाता हूँ, फुल बोतल चैलेंज भी बनाया है मैंने, बनाता भी रहता हूँ, और ये धीरे धीरे सिप मारने वाला वीडियो बनाता हूँ। सच बताऊँ ना दोस्तों, वो तो एक चैलेंज वाली बात होगी, मज़ा धीरे धीरे जो सिप मार के पीने में है ना, वो किसी में नहीं है। लोग कहते हैं नशा है इसमें, लोग कहते हैं नशा है इस बोतल में, मैं कहता हूँ कि तुझसे ज़्यादा नशा महबूब मेरे किसी में नहीं। लोग कहते हैं नशा है तुझ में ए बोतल, मैं कहता हूँ महबूब मेरे तुझसे ज़्यादा नशा किसी में नहीं। किस चीज़ को नशा कहते हैं दोस्तों? हर चीज़ में एक नशा है, दोस्ती एक नशा है, मोहब्बत एक नशा है, प्यार एक नशा है, जुनून एक नशा है, भूख एक नशा है, प्यास एक नशा है, दोस्ती एक नशा है, हर चीज़ में नशा है, बस फर्क सबका अलग अलग, किस चीज़ में नशा नहीं। दोस्तों
मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, जो भी लोग मेरा इस वीडियो को देखें, मेरे जो भी वीडियो डलेंगे मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, बड़ा अच्छा लगता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है दोस्तों। सब्सक्राइब चैनल जरूर कर दिया करो, प्यारा से कमेंट छोड़ दिया करो जो भी आपके राय हो मेरे बारे में। ये जो हल्का हल्का शुरूर है, तेरी नजरों का कसूर है, ये जो हल्का हल्का शुरूर है, तेरी नजरों का कसूर है, जो मुझे एक शराबी बना दिया। नहीं दोस्तों, कोई आपको शराब नहीं बना सकता जब तक आप खुद न चाहें, कोई भी आपको शराबी नहीं बना सकता जब तक आप खुद ना चाहें। भाई मुझे तो आज तक कोई शराबी नहीं बना पाया, आपको पता ही दोस्तों, मैं वीडियो सिर्फ एंजॉय करने के लिए बनाता हूँ, आपको एंटरटेन करने के लिए बनाता हूँ, किसी में इतनी ताकत नहीं जो आपको कोई शराबी बना रहा हूँ। अगर आपको शराबी बनना तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता। अपने आप पे कंट्रोल रखिए, अपने लिमिट्स को याद रखिए, घर में किसी को तकलीफ ना हो, सब लोग एंजॉय करें, खाएं पिएं ऐश करें और एंजॉय करें। आखिरी पकौड़ा, आखिरी पैग और वीडियो का दी एंड। वैसे तो दोस्तों इसके ऊपर ना बहुत सारे गाने बने हैं, शराब के ऊपर बहुत सारे गाने बने हैं। बाकी मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा, बड़ी रोमांटिक चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बस लोगों ने वो गाना ना दारू बदनाम कर दी। दारू कोई बदनाम नहीं करती है। अब आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं पता तब तो बदनाम बाकी हो जाओ। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत मस्त चीज़ है। ठीक है दोस्तों, वीडियो मेरा ख़त्म होने वाला है और
आजा दोस्तों, आखिरी पैक और आखिरी जाम, आज की शाम तुम्हारे नाम। पकौड़े बड़े जबरदस्त बने हैं दोस्तों, बड़े मसालेदार और बड़े क्रंची है। अगले वीडियो में दोस्तों एक नया मेंबर, एक नया पार्टनर जुड़ेगा मेरे साथ पैक लड़ाने के लिए, ऐसे ठीक है ना, फुल सपोर्ट करना है। और DSPS की चैलेंज चैनल को ऐसे मुकाम पे पहुंचाना दोस्तों, जिससे बढ़िया बढ़िया मोटिवेशनल वीडियो मिले आपको, बढ़िया बढ़िया वीडियो मिले, मज़ेदार वीडियो मिले आपको। बहुत जल्द ऐसा वीडियो आएगा। जिसमें ये जो पकौड़े जो बनाती है ना, वो भी नज़र आएंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो चैनल को दबा के लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। गर्दा उड़ा दो एकदम चैनल पे। दोस्तों कमेंट करके मुझे बताओ कि किस किस ने किसी के याद में पी है और कितने पी है। ठीक है दोस्तों, जिसके तुम चाहते हो, तुम्हारा लव है, तुम्हारा प्यार है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी वाइफ है, किस किस की याद में तुमने कितनी और कौन सी पी है, कमेंट बॉक्स भर दो और बताओ मुझे अगला वीडियो किस विस्की पे ऊपर बनाना है और कौन कौन सी शायरी पेश करनी है उस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, भर दो कमेंट बॉक्स और दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, चैनल सब्सक्राइब करते हो, बड़ा एंजॉय होता है, बड़ा मज़ा आता है और आपसे बातें करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलूँगा किसी और वीडियो में। ये देखो थोड़ा सा दो वोट बचा है, इसको ख़त्म करता हूँ और फिर मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों दबा के, और जो भी बिस्की लवर दोस्त हैं आपके, मेरे वीडियो सारे के सारे फॉरवर्ड कर दो, उनको शेयर कर दो उनको,
और सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना दोस्तों, ताकि आपका भाई, आपका दोस्त और एक से एक नया वीडियो आपके लिए पेश करता रहे। ठीक है दोस्तों, ओके, लव यू दोस्तों। और जो लेडीज़ लोग देखते हैं उनके लिए भी दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक्स, मेरा वीडियो जो देखते हैं, थैंक यू। मिलता हूँ किसी जल्द और नेक्स्ट वीडियो में, इसको ख़त्म करता हूँ। एक लास्ट पकौड़ा बचा, ये देखो, इसको भी ख़त्म करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों।